हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल जिन। और आप देख लो मेरे यूट्यूब चैनल साइको जिन। बहुत दिनों के बाद आए, क्या करें। देख रहे हो हालत, देख रहे हो, इससे समझ जाओ क्यों नहीं आ। तो अभी मैं हूँ इंदौर में और आज हम निकल रहे हैं साइको वर्ल्ड की तरफ। और हमारे साथ एक स्पेशल मेहमान आज जाने वाला है और हम जिससे जाएंगे वो आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा। अभी क्यों दिखाऊंगा, थोड़ी देर में दिखाऊंगा। मौसम दिखाता हूँ, मौसम का अपडेट। मौसम सही लग रहा है। ये देखो, ये पोहे वाला क्या लग रहा है, पोहा पोहा खा रहे। और ये एक व्यक्ति और है यहाँ पे, अरे बिल्लू बहुत देर से बात कर रहे थे, क्या बात है। ये गरीब पटिया की तैयारी, इंस्पायर्ड बाय द बंजारा बॉय। लाओ आपको दिखाएं आज का मौसम। यहाँ चल रहा है हमारे बोंगू भाई का इलाज। ये देखो मौसम, बादल ही बादल, एक नंबर। ये आई अपनी गाड़ी, पानी वाली। आज लप्पू नहीं तो रास्ते में बोल ही देगा, रोक गाड़ी, रोक रोक, उतार भोसड़ी के बोलते रोक साला। मैंने सोचा था आधे घंटे के लिए गोवा भेज, 5 घंटे हो गए। घुमाई जा रहा, रोक लो, तुम लोग हंसते मेरे बाल है ना। बस तैयारी करें, हम लगाए पट्टिया और अब आपको दिखाते हैं कैसे लगाते हैं। वादा पूरा हुआ ही नहीं है। ओ, वीडियो बना भी रहा तू? हाँ हाँ बना रहा हूँ। खराब वीडियोग्राफर। चलो है ना, आओ मिलो कल। चलो भाई, बाय। अरे वो तार अपन ले जा लेंगे, रहने दो, पॉलिथीन गाड़ी की ढेर। हार्डवेयर की दुकान पड़ेंगे भी सुजालपुर सीहोर में। वैसे तो तुम्हें जरूरत पड़ेगी नहीं, अब इतना ढीला भी तार है नहीं कि खुल जाएगा। यही नहीं करना होता उसको। अब क्या है,
काम तक ऐसी चल रही है। ये जर्नी खत्म क्यों नहीं होती है रे? नहीं, क्योंकि वो अच्छे से कंफर्ट हो गया। इधर देखो, एक इधर देखो। नहीं है मतलब चलो जाओ। हैप्पी जर्नी। मेरे बहू को पहले से लंबी थोड़ी स्थिति। बाय बाय बाय। अच्छा ये लप्पू का पहला पड़ाव। क्या हो गया बेटा, गर्मी लग रही है। इसको अभी अभी पानी पिलाया। मिला नहीं मिला? अभी हमें यहाँ पे इंदौर से जस्ट बाहर निकले। ये टोल नाका। ये रहा लप्पू। लप्पू थोड़ा अभी परेशान। मौसम भी थोड़ा सा गर्म हो रहा है, इस वजह से लप्पू थोड़ा सा परेशान है, लेकिन आगे चल के सही हो जाएगा। नहीं, चलते रहो चलते रहो, गर्मी लग रही है। चल आप पीछे। उसको थोड़ी सी गर्मी लग रही है, वो छोड़ दो, अभिषेक को कर लेगा अपने। तो चलिए मिलता हूँ आगे। ये आया एक पड़ाव हमारा अभी, इसको देखो जरा। अभी पहुंचा हूँ मैं स्टेट हाईवे पे, देवास के बाद जो नाका आता है पहला टोल नाका, बस वहाँ पे लप्पू को उतारा है। भुट्टे खाते हैं यहाँ पे। लप्पू को देखो, लप्पू अभी एडजस्ट हुआ नहीं है, हो रहा है धीमे धीमे। क्या कर रहा मोंगू? ओए आ जाएगा, चलो इधर। रास्ते पे जाएगा, मार खाएगा गधा। सिखाना पड़ता है सर। बस चलो उधर चलो। हाँ चल पकड़ ले, पकड़ ले। चल चल चल। उधर रोड पर मत जाओ, इधर उधर। एक गधे इधर देख, बेवकूफ। हमें इस टाइम पे सोल रिट्रीट में, ये रास्ते में पड़ता है। हाँ तो मेरा दिमाग खराब इसलिए है कि ये हमारे भड़वे ने क्या किया, इसने गधा गधा पता नहीं, इसको मैं थोड़ा सा बाहर घुमाने लेके गया तो इन भाई ने क्या किया पता नहीं, वहाँ से कहाँ से वो चिड़िया निकले, वो पीली कलर की चोंच वाली नहीं रहती, पीली चोंच रहती, ब्राउन कलर की जो चिड़िया रहती, वो अचानक से आ गई। उसको इसने दबा दिया पैर से, मुंह से नहीं दबाया, पैर से दबाया एकदम से, उसको पकड़ लिया। इसने भाग रही होगी, अब उसको पकड़ा इसने तो वो उसके पैर के पीछे साइड हो गए। अब मैं उसको देख रहा था कि क्या करूँ, कुछ तो कर नहीं सकते, तो मैंने उसको वहाँ, यानी एक छोटा सा ऐसा गार्डन सा बना है, मैंने उसके अंदर उसको छोड़ दिया। मैं दिखाता हूँ अभी आपको। यार दिमाग ख़राब हो गया, ये क्या हो गया यार। अपन चाहते नहीं है अपनी वजह से कोई जानवर या कोई चिड़िया को नुकसान पहुँचे यार, जितनी हमारे गधे ने किया है। अभी फड़फड़ा रहे हैं स्कूटी पर बैठे, फट रही है खूब, कभी खड़े हो जाएंगे, कभी बैठ जाएंगे, फिर बिठाओ इनको चारों पैरों से, यही हाल है। फिर भी यार बुरा लग रहा है, गधे ने चिड़िया पकड़ी। ये लगाया है मैंने अभी थोड़ा सा कंफर्टेबल बनाने के लिए, हालांकि इसको मैंने दबा दिया है अच्छे से।
चल बैठ, चल चल बैठ, चल चल ये देखो महाबली सीरा कहाँ चढ़ेंगे बेटा, मेरे चश्मा मत तोड़ देना तो। क्यों मजा आ रही है कि नहीं आ रही है? हैं, बहुत घूमने की पड़ी रहती थी तुम, अब घूमो अब घूमो। लप्पू बोला बग भोसड़ी के खा लेके जा रहा। मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है। तो भैया हम पहुंच गए हैं भोपाल, और रास्ते में बारिश मिली थी भोपाल जब चालू होने वाला था, तो लप्पू को तो रेनकोट उड़ा दिया था। मैं तो रेनकोट नहीं पहना था, अभिषेक ने रेनकोट पहना था क्योंकि बैग था। लप्पू को रेनकोट पहनाया, टोपी लगाई ताकि उसके कान वान में बचे रहे ऐसा। बस भोपाल का मौसम तो बढ़िया है, बारिश हो रही है, इंदौर में तो नहीं है। तो भैया पहुंच चुके हैं, लप्पू थोड़ा हैरान परेशान है, उसको समझ नहीं आ रहा क्या करूं मैं। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। नए घर में उसको बड़ा अटपटा सा लग रहा है, अब कल ये लोग भी आ जाएंगे तो उसको थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो कल एक खास चीज है तो वो मैं आपको कल दिखाऊंगा। तो अभी मैं नहा धो के थोड़ा सा फ्रेश हो जाऊँ और लप्पू को भी थोड़ा रिलैक्स हो रहा है, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद मिलता हूँ आपसे। चलिए। अरे आराम से खा, चल खाना खा लो, खा ले वो बच्चे, खा ले चल खा ले, नहीं खा रहे अम्बू। अरे मेरा बोला, अरे मेरी बोली, अरे मेरी बोली, क्या हो गया बेटा उदास क्यों गए तू? शर्म करो, भगवान से डरो भोसड़ी वालों, भगवान से डरो। या बेचारा बोंगू उदास है। तो नहा धो के मैं हो गया रेडी, अब रेडी क्या हो गया हूँ, अब मैं सोच रहा हूँ इसके थोड़ा सा आँख में क्या है कि गाड़ी चली होगी तो शायद उसकी वजह से हवा लगती रही कंटिन्यूस, तो इसके आँख से पानी आ रहा था। मुझे लगा रो तो नहीं रहा था, लेकिन नहीं वो शायद पानी आ रहा होगा। तो उसके लिए मैं एक ड्रॉप बताई है मोनिश ने, तो मैं लेके आता हूँ सिप्ला। तो बोंगू ने खाना खा लिया, अब मैं उसको घुमाने लेके जा रहा हूँ नीचे, और साथ में मेडिकल स्टोर से दवाई ले आऊँगा। तो कल है जश्न का दिन, वो आपको कल मालूम चलेगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बोंगू भाई पहुंच चुके हैं और जिस रेस्टोरेंट में मैं रुका था इंदौर भोपाल हाईवे पे, उसका नाम है सोल रिट्रीट। नीचे जब वो उसका वीडियो आएगा तो शायद उसका वीडियो जब आ रहा होगा तो आपने देखा होगा, बहुत ही अच्छा है, पेट फ्रेंडली है। मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका नाम डाल दूँगा, तो आप कभी भी पेट के साथ ट्रैवल कर रहे हो और इस रास्ते से निकले तो वो बहुत अच्छा है। खाना भी बहुत अच्छा था, हमने डोसा खाया, चाय भी बहुत बेहतरीन, थोड़ा सा महंगा ज़रूर है लेकिन बहुत अच्छा है खाना। तो जब से मेरे पीछे घूम रहा है तो मेरा पीछा छोड़ने को ही तैयार नहीं बेचारा। क्या हो गया बेटा, आओ इधर ऊपर आओ, चलो ऊपर आओ, ऊपर आओ, ब्लॉग में आओ। क्या हो वो कौन, कौन है? परेशान हो गया, बोला मेरे को कहाँ लेके आ गया भोसड़ी को, वापिस घर छोड़ के आ। कल देखो, कल शिल्पा भी आ जाएगी सवेरे तक, शिल्पा मोनिश अभी निकले हैं इंदौर से, कल सुबह पहुँच जाएंगे 11:15 की उनकी ट्रेन है, तो कल पहुँच जाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर और जय माता दी, एंड एज ऑलवेज जय हिंद।